हाय एवरीवन, हमारी बेसिक कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए हैं, एकदम आसान रेसिपी। इस नाश्ते को आप कभी भी बनाएं। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। 2 कप सूजी ले लेंगे। ये मैंने 1 कटोरी दही लिया है, तो दही भी इसी में डाल देंगे। और ये 1 कप पानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। चलिए अभी पानी हम थोड़ा सा और डाल देते हैं, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करेगा सूजी। और हम इसे रेस्ट के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। दही डालने से फर्मेंटेशन बहुत ही बढ़िया आती है इसमें, तो दही आप ज़रूर डालिएगा। चलिए अब इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, आधे घंटे हो गए, चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया फर्मेंटेशन हुआ इसमें। तो इसी तरह से हमें चाहिए। कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। ये इनो लिया है मैंने, इनो डाल देंगे। आधे पाउच डाल देंगे हमें। थोड़ी सी पानी डाल देंगे। और ये थोड़े से कटे हुए प्याज, अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं। प्याज डालने से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप अगर खाते हैं तो डाल के देखिएगा, बहुत बढ़िया आएगा इसका फ्लेवर इसमें। इधर मैंने स्टीमर रख दिया है, पानी गर्म हो गया है इसमें। ये प्लेट को मैंने ऑयल कर दिया है तेल से। इस तरह से रख लेंगे इसमें। फ्रेंड्स, इनो डालने के बाद आप तुरंत इसको रख दीजिएगा पकने के लिए। तब फ्लेम फुल कर देंगे। अब 5 से 7 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया फूल गया है। चलिए चाकू डाल के देख लेते हैं। बिल्कुल सूखा सूखा सा निकल रहा है, कहीं भी लगा नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये पक गया है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। हल्का ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे आसानी से निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, पैन रख दिया है गैस पर। इडली को 4 टुकड़े कर लिया है इस तरह से, ये देखिए काट लिया है मैंने। अब इसमें एक तड़का लगाएंगे। 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे, जीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून, ये सरसों के दाने 1/2 टीस्पून, ये हरी मिर्च 2 लिया मैंने, लंबे लंबे काट लिए हैं। और ये करी पत्ता जरूर डालिएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। ये मैंने अदरक 1 इंच लिया है, 2 से 3 कली लहसुन लिया है। इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, आप भी ग्रेटर से ग्रेट करके ही डालें, फ्रेश रहता है तो ज़्यादा बढ़िया आता है स्वाद इसका। अभी मैंने प्याज लिए हैं, 1 छोटा साइज का प्याज इस तरह से बारीक लंबे लंबे काट लिया है। ये थोड़े से शिमला मिर्च पतले पतले काट लिए हैं, तो इनको भी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च लाल पाउडर, ये हल्का सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला पक जाए अच्छे से। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इडली में भी नमक डाल रखा है तो आप इस हिसाब से डालिएगा हल्का ही नमक। थोड़ा सा धनिया पत्ता, मसाला हो गया है, अब हम इडली को डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्राइड इडली हमारा रेडी हो गया है सर्व के लिए। ये देखिए खाने में बड़ा ही मज़ेदार लगता है ये। इसे सर्व के लिए निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए ये
देख लीजिए हमारा फ्राइड इडली बनके रेडी है सर्व के लिए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर और टेक्सचर आया है, जितना बढ़िया दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी है। ये देखिए तो आप भी झटपट इसको फ्राई कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से फ्राइड इडली बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।